Good morning to you all. Today I am going to provide you with the questions of revision test. First of all, you will learn all the chapters and whatever I have taught you up till now. The whole syllabus you will complete first and then you are going to attempt this revision test questions. Without revising, don't attempt this revision test questions. And you have to complete this revision test questions in your classwork copy. Don't do it in another copy. So the first one here it is fill in the blanks. यहाँ पे कुछ blanks दिए गए हैं आपको, क्या करना है आपको fill करना है. So first one here it is your dash earns money by working in the office. यानी कौन earn करता है, यानी कमाता है पैसे by working in the office, यानी office में काम करके. Second it is at home you can help your father by fetching his. घर पे आप अपने father की help क्या fetch करके, यानी क्या दे के उन्हें आप कर सकते हो. Third it is finally Lily became a dash girl. Finally जो Lily थी वो कौन किस टाइप की girl बन गई. Fourth it is dash is important in everyone's life. यानी ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक की लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है. नेक्स्ट इट इज ऑल द पीपल डू नॉट डैश द वे वी डू. यानी सारे लोग क्या नहीं करते जो बाकी लोग करते हैं अपने तरीके से. सेकेंड इट इज राइट ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताओगे, यहाँ पे देखोगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. अगर स्टेटमेंट आपका यहाँ पे राइट है ट्रू है तो आप टी लिखोगे. अगर स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या है रॉन्ग है फॉल्स है देन यू विल राइट इट ऑन फॉल्स इन द बॉक्स. फर्स्ट वन एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट. हर एक इवनिंग के टाइम में शाम के समय जो सन होता है सेट करता है वेस्ट के साइड. So you have to write it down here true or false in this box. Second it is Lekha practiced swimming with her father. Lekha जो थी वो swimming की practice अपने father के साथ करती थी. Third it is Bholu did not care for his master. जो Bholu था वो अपने master की care बिल्कुल नहीं करता था. You will write it down here true or false. फोर्थ यू शुड रेस्पेक्ट ऑल योर एल्डर्स. बड़ों की हमेशा रेस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए. हियर ये स्टेटमेंट सही है या गलत आप लिखोगे. नेक्स्ट इट इज फिल द मिसिंग लेटर्स. यहाँ पे लेटर्स मिस कर रहे हैं आपको उसको क्या करना है फिल करना है. फर्स्ट वन आर ई एस पी ई सी डैश. यहाँ पे क्या मिसिंग है आपको यहाँ पे फिल करना है. सेकेंड डैश ई एल पी एफ यू एल. यहाँ पे क्या मिसिंग है आप फिल करोगे. थर्ड इट इज बी ई डैश ई एफ आई टी. यहाँ पे भी आपको क्या करना है यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है वहां पे फिल करना है कि कौन सा लेटर वहां पे मिसिंग है. फोर्थ इट इज एस डैश आई एल ई. यहाँ पे भी जो लेटर यहाँ पे मिसिंग है आप उसे यहाँ पे लिखोगे. फिफ्थ सी डैश आर आई एन जी. यहाँ पे भी आपको क्या करना है फिल करना है जो भी मिसिंग लेटर है. नेक्स्ट कम्स द हु सेड टू हुम. किसने किससे कहा. फर्स्ट वन इट सीम्स यू हैव प्रिपेयर्ड अ डिलिशियस मील. किसने कहा और किससे कहा यू हैव टू राइट इट डाउन हियर इन दिस ब्लैंक. सेकेंड आई नो इफ यू ट्राई यू कैन बिकम पंक्चुअल. कौन बोला ये चीज कि ट्राई करोगे तो आप पंक्चुअल बन सकते हो. यू हैव टू राइट इट डाउन हियर. थर्ड यू डिड नॉट वरी लेखा आई एम हियर विथ यू. ये किसने कहा और किसे कहा यू हैव टू राइट इट डाउन हियर इन दिस ब्लैंक. नेक्स्ट ईयर स्पेल चेक. आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप स्पेल चेक को अच्छे से कर पाओगे. फियर एफ डबल ई आर एफ ई ए आर F A E R कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है फियर का. सेकेंड टीस टीस का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है. T E
ए एस ई, टी डबल ई एस ई, टी ई डबल ए एस। थर्ड, लर्न व्हाट इज द स्पेलिंग। हर बार आपको ये वर्ड मिलता है, सो विच इज द करेक्ट स्पेलिंग यू हैव टू मार्क इट हियर। एल ई आर ए एन, एल ई ए एन आर, एल ई ए आर एन, सो विच इज द करेक्ट स्पेलिंग यू हैव टू मार्क इट हियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन टू टू मूव ऑन टू द आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, इज इट पॉसिबल टू रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग हमेशा खुश रह सकें? इज इट पॉसिबल, यू हैव टू राइट द आंसर हियर। सेकेंड वन, हाउ शुड वी ट्रीट समवन हु इज रूड टू अस। अगर कोई हमसे रूड तरीके से बातें कर रहा है तो हम लोगों को किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना चाहिए, दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। थर्ड, हाउ डू आवर नेबर्स हेल्प अस। जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं हम लोगों के, वो लोग किस तरीके से हम लोगों का हेल्प करते हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर इन दिस थर्ड क्वेश्चन नंबर। सो वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट प्लीज लर्न और कंप्लीट होल सिलेबस एंड देन यू हैव टू डू इट दिस रिविजन टेस्ट क्वेश्चन इन योर क्लास वर्क कॉपी। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे। थैंक यू।